नमस्कार, आप देख रहे हैं SJ7 न्यूज। आइए देखते हैं आज की बड़ी खबर। जैसे जैसे मौसम में ठंडक बढ़ती जा रही है, लोग ठंड से बेहाल हो रहे हैं, वैसे वैसे सूबे की राजनीति गर्म होती जा रही है। आए दिन पक्ष विपक्ष एक दूसरे पर जुबानी तीर चला रहे हैं। ऐसा लग रहा है मानो जुबानी जंग लड़ी जा रही हो। अभी हाल ही में नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव ने राहतगढ़ में एक बड़ा बयान दिया था, जिसमें उन्होंने मौजूदा प्रदेश सरकार को बीमार शिशु करार देते हुए कहा था कि यह लूली लंगड़ी सरकार 2-3 महीने से ज्यादा नहीं चलेगी। नेता प्रतिपक्ष के इस बयान पर मंगलवार को प्रदेश के राजस्व एवं परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने पलटवार करते हुए बड़ा बयान दिया है। यह बयान उन्होंने सागर के मुख्यमंत्री फसल ऋण माफी योजना के शुभारंभ के दौरान दिया है, जिसमें मंत्री ने कहा है कि भाजपा अहंकार के कारण सत्ता से बाहर चल रही है और इसी तरह बयानबाजी होती रही तो 2019 लोकसभा चुनाव में भी बाहर होना पड़ेगा। स्थिति नहीं आने दी जाएगी भले ही हमारी पार्टी के विधायक थे। परसों कैबिनेट मंत्री लाल यादव ने बोला था कि कुछ भाजपा की विधायक कार्य चलाने के लिए तैयार बैठे। अब ये तो 2-3 महीने बाद पता चलेगा कौन कहाँ जाता है। अभी ये मंत्री लोग अपने बंगले अंगले पुतवा ले, काम हमारे लोगों की आएगा 3 महीने बाद। 11 दिसंबर को जो परिणाम घोषित हुआ था रात को, उससे एक बीमार औलाद का जन्म हुआ है जिसका नाम कांग्रेस पार्टी की सरकार है। हार्ट किसी का लगा है BSP का, किसी की किडनी लगी है सपा की, शरीर किसी का निर्दलियों का लगा है। लूली लंगड़ी बीमार औलाद पैदा हुई है, कितने दिन तक जी सकेगी। जो नेता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर अमित शाह से लेकर और मध्य प्रदेश के जो नेता है, इनका अहंकार ही है जो आज ये सत्ता से बाहर है। नेता प्रतिपक्ष का पद एक गंभीरता वाला पद होता है, उन्हें इस प्रकार के बयान नहीं देना चाहिए, और इस प्रकार के बयान जारी रखेंगे तो मैं समझता हूँ जो दुर्दशा विधानसभा के चुनाव में हुई है लोकसभा के चुनाव में, उससे बड़ी दुर्दशा भाजपा की होने वाली। 3-4 महीने की सरकार बताई है, क्या मानते हैं आप? 3-4 महीने चलेगी आपकी कांग्रेस सरकार? ये सरकार पूरे 5 साल चलेगी। मुझे दुख इस बात का है, और जहाँ तक मैं देख रहा हूँ कि भाजपा के नेता और भाजपा के पूर्व मंत्री जलबिन मछली की तरह तड़प रहे हैं। सत्ता चली गई है तो उन रातों में नींद नहीं आ रही है, वो दिन में भी सपने देख रहे हैं। ये सरकार 5 साल चलेगी, कोई षड्यंत्र चल रहा है क्या भाजपा का? 5 साल विपक्ष में रहना चाहिए, विपक्ष में रहने की आदत डालें। वैसे ही बरसों विपक्ष में रहे हैं, जनता ने जनादेश कांग्रेस को दिया है कि जनादेश 5 साल चलेगा। ठीक।